पिशुनस्य नेत्रि नष्ट क्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मा विद्याफलम् व्यस्मिना कृपणस्य सौख्यम् राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अब इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार के मनुष्य का क्या क्या नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले उसने कहा है लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य यानी लोभी मनुष्य का, लालची का यश नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। सबसे पहले कवि ने लालची व्यक्ति के बारे में कहा है कि लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो जितना भी यश अर्जित किया है वो सब नष्ट हो जाता है। आगे उसने कहा है पिशुनस्य नेत्री, पिशुनस्य कहते चुगल को चुगली करने वाले, चोरखोर की मैत्री यानी मित्रता, चोरखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति चुगली करता क्या होता है अंत में उसकी जो मित्रता होती है वो समाप्त हो जाती है, वो उसे मित्रता करना नहीं जाता। तो पिशुनस्य मैत्री चोरखोर मनुष्य की मित्रता नष्ट हो जाती है, मित्रता समाप्त हो जाती है। इसके बाद वो क्या है नष्ट क्रियस्य कुलम्, नष्ट क्रियस्य यानी जिसने अपनी क्रिया को नष्ट कर दिया, जो कार्य नहीं करता, अकर्मण्य व्यक्ति जो कार्य नहीं करता ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है कुलम यानी कि कुल। तो नष्ट क्रिया से यानी अकर्मण्य व्यक्ति का कुलम यानी कुल, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, अर्थपरस्य कहते हैं धन का लोभी, धन के लोभी का क्या नष्ट हो जाता है धर्म यानी धन। तो अर्थपरस्य धन के लोभी का, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। इसके बाद उसने कहा विद्या फलम व्यसनिना, व्यसन कहते हैं बुरी लत वाले को जिसने बुरी आदतें डाल दी, तो बुरी आदत वालों का क्या नष्ट हो जाता है विद्या फलम, विद्या का फल, उसने जितना विद्या का फल प्राप्त किया है वो सभी नष्ट हो जाता है। किसका व्यसनिना, बुरी आदत वालों का, जिसकी बुरी आदतें हैं बुरी लत लगा के उसका सारा प्राप्त किया विद्या का फल नष्ट हो जाता है। विद्या का फल उसका नष्ट हो जाता है। इसके आगे कह रहा है कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य कहते हैं आपके कंजूस को, और कंजूस मनुष्य का सौख्यम कहते हैं सुख। कंजूस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है सुख, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। फिर आखिर को कह रहा है राज्य प्रवृत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रवृत्त सचिवस्य आलसी मंत्री वाले वो राजा जिसके मंत्री कैसे आलसी है, तो आलसी मंत्री वाले नराधिपस्य यानी राजा का, आलसी मंत्री वाले राजा का क्या नष्ट हो जाता है राज्य, राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राजा के मंत्री आलसी होंगे उसका राज्य क्या होगा नष्ट हो जाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा है प्रवृत्त सचिवस्य आलसी मंत्री वाले नराधिपस्य यानी राजा का राज्य यानी राज्य, आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आपका अनुवाद है, एक बार इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चोरखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम्, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, कार्य का त्याग करने को कार्य ही नहीं करता ऐसे मनुष्य का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिना, बुरी आदत वाले मनुष्य का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। प्रवृत्त सचिवस्य आलसी मंत्री वाले नराधिपस्य राजा का राज्य यानी राज्य, आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो मुझे आशा है कि ये आपके श्लोक के शब्दार्थ के अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम को हम कल फिर से आगे बढ़ाएंगे।